हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टेरा सभी आप देख सकते हो, पोजीशन में मैंने कोई भी पोजीशन नहीं बनाया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देख सकते हो अभी हमारा कोई भी पोजीशन नहीं है। एंड यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर में भी कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है टेरा सभी? आप देखोगे पूरे दिन जो है मार्केट अभी रेंज में ही फंसा हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। एंड निफ्टी 50 का चार्ट जो है यहाँ पे देखो अभी पूरा जो है रेंज में फंसा हुआ है। देखते हैं इस बीच कुछ होता है तो फिर हम ट्रेड लेंगे। एंड बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है। एंड बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं पूरा रेंज में फंसा हुआ है। तो इस रेंज को देखते हैं, कहीं कट करता है तो हम इसमें ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। एंड चाहता हूं मैं इसमें पी साइड जाना। अगर पी साइड कट करे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा हमारे लिए। बिकॉज यहाँ पे देखोगे ना तो मतलब हर एक उस पे रेजिस्टेंस है। आपको अगर इस पे भी दिखाऊं तो हर एक स्पॉट चार्ट, क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पे भी दिखाऊं तो हर एक जगह रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। तो थोड़ा सा जो है इसको ट्रेड करना मुश्किल हो रहा है। बट जब तक कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा, जब तक मैं कोई भी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, है ना। अपने पैसे को बचाना बहुत जरूरी है, विकेट बचाना बहुत जरूरी है। विकेट बची रहेगी तो कभी ना कभी ट्रेंडिंग आएगा तो उसमें जो है हम सिक्स मार सकते हैं, चौका छक्का लगा सकते हैं। तो 1 सेकेंड, चौका छक्का लगाने से पहले मैं चार्जिंग लगा दूं तो 1 सेकेंड रुको आप बस। तो टेरस चार्जिंग जो है मैंने लगा दिया है। एंड वही मैं बोल रहा था कि अपना विकेट जो है हम बचा के रखने की कोशिश करेंगे। अगर आज हम ट्रेड भी नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। अगर हमें ट्रेड नहीं मिला और हमने ट्रेड नहीं किया तो उसका हम रिग्रेट नहीं करेंगे। बिकॉज ट्रेड ना करना भी एक प्रॉफिट ही होता है। बिकॉज सोचो कि अगर आपने इस रेंज में ट्रेड कर लिया एंड आपका एसएल हिट हो गया तो लॉस ही होगा ना। इससे बढ़िया ट्रेड ना करो, बट मतलब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को चूज करो। अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आपको नहीं मिल रहा है, इससे बढ़िया आप ट्रेड ही मत करो, ठीक है ना। उससे बढ़िया क्या है कि आप जाके सो जाओ या फिर कुछ अनदर काम करने लग जाओ। ट्रेड नहीं करोगे तो आपका कैपिटल बचा रहेगा, आपकी विकेट बची रहेगी। एंड जब विकेट नहीं उड़ेगा तो कभी ना कभी तो चौका छक्का लग ही जाएगा ना भाई। तो बस इसी तरीके से है। तो देखते हैं, अभी कोई भी ट्रेड मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। अभी टाइम यहाँ पे देखोगे तो आपको टाइम यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी 12:47 47 मिनट हो रहा है। तो 12:47 हो रहा है अभी। तो अभी 1 बजे के बाद क्या पता कोई मूव आए तो ऊपर साइड आए तो मैं ऊपर साइड, तो क्या बताऊँ, ये अगर अपना पूरा बैठता तो मैं इसी को ट्रेड ले लेता। बट ये बैठा नहीं अपना पूरा ना। यहाँ पे अगर ये बैठे तो मैं इसी को ट्रेड ले लेता, बट नहीं बैठा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। जो भी ट्रेड मैं लेता हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो बस फाइनली काफी देर वेट करने के बाद एक ट्रेड मैंने प्लान किया है। अब वो पता नहीं एसएल जाएगा क्या है। अपना सिस्टम से हमने ट्रेड लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे 2:02 हो रहा है। एंड यहाँ पे सिस्टम से एक ट्रेड लिया गया है। मैं पोजिशन आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पोजिशन में अभी थोड़ा सा जो है एसएल, मतलब अभी थोड़ा सा जो है लॉस चल रहा है 92.85 का, 75 का, 60 का, तो यहाँ पे नहीं, सॉरी 95 का। तो ये अभी लॉस चल रहा है। ये हो सकता है ट्रेडर्स, मैंने यहाँ पे देख सकते हो ये लिया है मैंने, एक सेकेंड हाँ बताता हूँ, 21,200 का कॉल लिया है। 21,200 का कॉल लिया है ट्रेडर्स मैंने। एंड इसको ना मैं एक बार मिनिमाइज कर देता हूँ बिकॉज मेरे को ये चीज देखना देखना ही देखना है। तो मैं इसको एक ऐसे कर दूं, बिकॉज देखो जब एक स्क्रीन पे कर रहा हूँ और मेरे को दोनों चीज देखना है। मेरा स्ट्राइक प्राइस का भी देखना है कि स्ट्राइक प्राइस क्या है, उसको भी देखना है। एंड मेरा वो भी देखना है कि मेरा टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। बैंक निफ्टी को भी देखना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है टेरस, अभी देख लो ये जुगाड़ है आपके सामने। इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया एंड इसको छोटा सा स्क्रीन कर दिया क्योंकि मैं उस पर कर नहीं सकता ना, लगा नहीं सकते हम, दो चार्ट नहीं लगा सकते। अब मेरे को बैंक निफ्टी भी साथ में देखना है, निफ्टी भी साथ में देखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी जो है कंसोलिडेशन मोड में है। एंड इस कंसोलिडेशन का देखोगे तो ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, कंसोलिडेशन का देखोगे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है कंसोलिडेशन का। एंड कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद फिर वापस यहीं पे रीटेस्ट करने के लिए आया है। एंड मैंने यहीं पे एक ट्रेड यहाँ पे बाय साइड, मतलब कॉल साइड ले लिया है। एंड मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया है। तो ये भी मैंने बैंक निफ्टी दिखाया आपको। निफ्टी में यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी ऑलरेडी रैली में था, ठीक है ना। ऑलरेडी ये रैली था। यहाँ पे आप देखोगे तो इस मैंने आपको कहा था इसमें भी कि ये जो है
यहाँ पे आप देख सकते हो एसएल भी हिट हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट हमने सिस्टम से ऐसे सिस्टम से लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगर एसएल हिट हुआ तो मेरा जो है वहां पे एग्जिट हो जाएगा, जो भी हो गया है आई थिंक। एक सेकेंड, 250 का एसएल हिट हो गया है ट्रेडर्स, 250 का एसएल जो है आज का हिट हो गया है। यहाँ पे ब्रेकआउट पे मैंने लिया था, मतलब ये रीटेस्ट करने आ रहा था तो मैंने लिया था यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, एसएल अपना यहाँ हिट हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हिट हो गया एसएल, यहाँ पे देखोगे 250 रुपए का लॉस आपको पीएनएल में दिख रहा है टोटल, ठीक है। अब ये अपने आप एग्जिट हो गया है, तो अब मुझे एग्जिट करने की जरूरत है नहीं इसको, मैंने वैसे जो है हिट हो गया तो कोई बात नहीं। अब देखते हैं एक सेकंड ट्रेड लेते हैं, एंड अगर सेकंड ट्रेड में भी अगर एसएल हिट होता है तो प्रॉपर जो है डे को क्लोज कर देंगे अपना जो है लॉस में, ठीक है। आपको पता है हमने कल भी जो है अपना प्रॉफिट में डे को क्लोज किया था, और उससे पहले परसों भी प्रॉफिट में क्लोज किया था। अगर आज लॉस में क्लोज कर देंगे तो उसमें कोई बड़ी बात होगी नहीं हमारे लिए, ठीक है। तो देखते हैं, जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ट्रेडर्स सिस्टम से इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है। अगर आप सोचोगे कि एसएल हिट नहीं होते तो भाई एसएल हिट होते हैं, सिस्टम से इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है। अगर आप सिस्टम से करते गए रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो, अगर 10 में से अगर 3-4 ट्रेड अगर आपके एसएल भी हिट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं यार, 3-4 ट्रेड एसएल हिट हो रहे हैं तो दे दो ना, बाकी तो आप 1:2 1:3 अगर देखो इसमें अगर मैं प्रॉफिट करता, मैंने इसमें लॉस किया कितने रुपए का ट्रेडर्स, 5 रुपए का, लगभग 5 रुपए का एसएल मैंने इसमें रखा था। एंड अगर इसमें मैं प्रॉफिट करता तो कितने रुपए करता ट्रेडर्स, लगभग 13 रुपए का प्रॉफिट करता। अगर फिर ये ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पे मैं बाय करूंगा, है ना, मेरा तो काम है बाय करना, फिर बाय करूंगा यहाँ पे, एंड बाय करके फिर देखेंगे अगर टारगेट अचीव हो जाएगा तो फिर ठीक है, देखते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये लोग आए ट्रेडर्स यहाँ पे देखोगे तो आज का डे क्लोज करते हैं 250 रुपए के लॉस पे, एंड मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिला काफी देर वेट करने के बाद। देखो यार मार्केट ऊपर गया था बट अपना सिस्टम ही नहीं बना तो क्या आप ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे 3:12 हो चुका है तो अब तो मार्केट बंद ही होने वाला है, कोई बात नहीं। आपको पता ही है कि हम छोटे छोटे लॉसेस लेते रहते हैं यार, प्रॉफिट होता है तो बड़ा प्रॉफिट होता है, तो बस सिस्टम से ऐसे लेते रहो, क्या दिक्कत है, लॉस तो होना ही है। आप ये सोचोगे ना, कितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को आप फॉलो करते हो भाई, ये वो, अगर वो आप ये सोच रहे हो कि रेगुलर उनके प्रॉफिट्स हो रहे हैं भाई, नहीं यार ऐसा नहीं होता, नहीं होता, उनको भी लॉसेस होते हैं भाई, वो उनको भी लॉसेस होते हैं। अगर मेरे को रेगुलर अगर प्रॉफिट दिखाना होता ना आप लोगों को, तो मैं कुछ और चीजें करके आपको रेगुलर प्रॉफिट दिखाता, बट ऐसी बात नहीं है भाई, रेगुलर प्रॉफिट नहीं होते। दो दो तीन तीन अकाउंट बना लो, देखो मैं किसी कुछ नहीं बोलूंगा, बट ये ध्यान रखो कि लॉसेस होते हैं, बस ये ध्यान रखो कि छोटे छोटे लॉसेस आप लोग जितना हो सके उतना छोटे छोटे लॉसेस। आपको पता है 250 का लॉस कुछ नहीं है हमारे लिए ना, अगले दिन हम कवर कर लेंगे इसको, मतलब 1:1 भी अगर आएगा तो ये कवर हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, विद दिस थैंक यू सो मच, बाय ट्रेडर्स।